साथियों नमस्कार। मैं वही आपका पुराना साथी विवेक सचान, CLI इलेक्ट्रिक लोको इंस्ट्रक्टर DTC आलमबाग लखनऊ, आपके समक्ष पुनः एक बार प्रस्तुत करूंगा। कुछ लोको पायलटों ने मुझसे मांग की कि कन्वेंशनल लोको में जिनमें पैनल्ड लोको हैं, ब्रेक्स जो है ब्रेक पैनल लगाया गया है, कई कंपनियों के ब्रेक पैनल लग गए हैं, जैसे फेवले इंडिया, फेवले का ट्राइप्लेट, मॉडिफाइड स्टोन इंडिया, सेवेको नॉन ब्रेक मॉडिफाइड, नॉन मॉडिफाइड, इस तरीके से कई सारे जो आपके पैनल लोगों हैं ये प्लेटें लग गई हैं, तो उसमें लोगों को इक्विपमेंट जो लगाए गए हैं ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड, उनको जानकारी के अभाव में कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में मैंने आज एक प्रयास किया कि आज मैं आपको फेवले में ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल समझाऊंगा, क्योंकि समस्या ये है कि अगर मैं लोगों के लिए जाकर समझाने का प्रयास करूंगा तो कन्वेंशनल लोगों काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं लखनऊ में, तो 7 प्रकार के जो पैनल हैं इनके लिए तो हो सकता है 1-2 महीना लग जाए मुझे सब प्रकार के पैनल लाइव समझाने के लिए। तो इसलिए मैंने जो है पिक्चर के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप से आशा करता हूं कि आप जो है उसको मन लगाकर ध्यान देंगे तो लोगों में ऐसी सिचुएशन मिलने पर, ऐसे ही प्लेट मिलने पर आप उस पर उसके ऊपर लिखे उसके मेक के नाम से आप जो है समझ सकेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी है। आज मैं सबसे पहले फेवले के ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल, तो जो फेवले का ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल है उसका फिगर आपके सामने है, इसमें नंबरिंग दी हुई है। तो सबसे पहले ये जो एक नंबर दिया हुआ है, ये एक नंबर P2, ये प्रेशर स्विच है P2। इसका काम क्या है? इसका काम है कि गाड़ी संचालन के दौरान जब भी बाहरी कारण हो, जब लोको पायलट नहीं चाहता, उसके विपरीत यानी लोको पायलट की इच्छा के विपरीत यदि BP प्रेशर ड्राप होता है, कितना 0.6 kg या इससे अधिक ड्राप होता है, तो क्या होता है कि ये ड्राप होने पर आपका P2 का जो NOI है ये ऑटो फ्लैशर लाइट के ऊपर बैठ जाता है और आपकी ऑटो फ्लैशर लाइट जलने शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ PR2 ऑपरेट हो जाती है, और PR2 इनर्जाइज होके जो GR है जितने भी नाच लगे हैं उसको 0 पे लाती है। तो ये साथियों ये P1 एक नंबर जो है ये P2 है, नंबर आता है 2 नंबर, इस 2 नंबर को कहते हैं RGEV2। ये 2 नंबर RGEV2 है। इसका क्या काम है? RGEV2 जब भी लोगों का मतलब गाड़ी संचालन के दौरान यदि BP प्रेशर 2.8 kg या इससे अधिक ड्राप हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये ड्राप होने पर जो है QRS रिलीज डी इनर्जाइज हो जाती है, और QRS रिलीज डी इनर्जाइज होकर क्या करती है, ये GR को 0 के ले आती है। RGEV2 क्यों नाम दिया गया? वैक्यूम ब्रेक के जब लोको होते थे वहाँ पर RGEV1 जो काम करती थी, एयर ब्रेक में RGEV2 करती है, तो RGEV2 जो है एयर ब्रेक से रिलेटेड है, इस वजह से RGEV2 का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है RGCP, यानी 3 नंबर जो है ये आपका ये है RGCP। अब ये RGCP क्या काम है? ये रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेसर है, यानी कि कंप्रेसर के को रेगुलेट करती है, इसके लिए एक रिले लगाई गई RGCP। इसका काम क्या है? ये 8 MR प्रेशर जब घटकर 8 आ जाता है तो ये कट इन पोजीशन पे हो जाती है 8 से नीचे आने पर, और कंप्रेसर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब MR का प्रेशर
9.5 से 10 केजी लोगों, कई लोगों के अलग अलग पैरामीटर हैं, तो 9.5 से 10 केजी के बीच में होता पहुंचता है, तो ये कट ऑफ हो जाती है। तो ये जब कट ऑफ होती है तो क्या होता है, सीटी यानी कि कंप्रेसर तो चलना बंद कर देते हैं, लेकिन ये वील वाल्व को इनर्जाइज कर देती है, और वील वाल्व इनर्जाइज होकर क्या करता है, ऑटो ड्रेन वाल्व को ऑपरेट करा देता है, जिससे MR1 व MR2 की नमी ड्रेन हो जाती है। तो ये साथियों 3 नंबर जो काप है, ये आपका क्या हुआ, RGCP का। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है आपका P1 यानी कि 4 नंबर पे P1, यहाँ एक नंबर देखिए, एक नंबर P2, 2 नंबर RGEV2, 3 नंबर RGCP, 4 नंबर P1। P1 का क्या काम है, P1 का काम है जब गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट ब्रेकिंग करता है तो 0.5 केजी या 0.5 केजी या इससे अधिक जब प्रेशर वो ड्रॉप करता है तो क्या होता है, P1 ऑपरेट होता है, और P1 ऑपरेट होकर क्या करता है, PR2 को इनर्जाइज करा देता है, और PR2 इनर्जाइज होकर ऑटो फ्रेशर लाइट को जलने से रोक देती है, क्योंकि लोको पायलट ने ब्रेकिंग की है तो ये ऑटो फ्रेशर लाइट को जलने से रोक देती है। ये आपके P1 का काम हो गया। नेक्स्ट है SWC, नेक्स्ट आता है SWC 5 नंबर SWC, इसका क्या काम है, जब लोको पायलट रिहाबिलिटेटिंग ब्रेकिंग करता है, लोको पायलट रिहाबिलिटेटिंग ब्रेकिंग करता है और भूलवश लोको पायलट से एक ऐसे नाइन अप्लाई हो जाए, कितना यानी लोको के ब्रेक सिलेंडर में 1 kg का प्रेशर चला जाए, तो क्या होता है, SWC ऑपरेट होकर डिले Q50 को डी एनर्जाइज करा देती है, जिससे क्या होता है, आर्मी कट ऑफ हो जाती है। ये काम है आपके SWC का, यानी कि ये जो 5 नंबर है इसका काम है SWC, इसका काम मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, ये 6 नंबर जो है ये E3W कट ऑफ टॉप है, जिसको E3WCOC यानी कि इसको एक तरीके से आप ये कह दें ये IP क्या है, IPCOC, E3WCOC means IPCOC, E3W जो है एक्चुअल में इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, E3W कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा IPMV, तो E3W जो है और IPMV, क्योंकि जो आपका IP वाल्व है ये बना हुआ है, दो प्रकार के दो वाल्व होते हैं इसमें, एक होता है मैग्नेटिक वाल्व और एक होता है मैकेनिकल वाल्व, तो मैकेनिकल वाल्व को बोल देते हैं E3W और मैग्नेटिक वाल को बोलते हैं IP मैग्नेट वाल या IPMV। इनर्जाइज कब होता है, IPMV जब हम HBA को 0 से 1 पर करते हैं तो IPMV इनर्जाइज हो जाता है, और इनर्जाइज होकर ये बैलेंस बना देता है, जिससे कि DP का जो IP E3W है इस पे कॉक लगा होता है, ये हमेशा खुला रहना चाहिए, इसके खुले होने पर क्या होता है कि BP का प्रेशर ड्रॉप होता है। किन परिस्थितियों में, जब भी कभी BP EMS आपने दबा दिया तो रिले QEMS इनर्जाइज होकर यहाँ से BP प्रेशर गिरा देगी, VCD ऑपरेट होगी तो भी यहीं से BP प्रेशर ड्रॉप होगा, RB कर रहे हैं और नो टेंशन हो जाए तो भी यहीं से BP प्रेशर ड्रॉप होगा, HBA 1 पर है 0 पे करते हैं तो भी यहीं से प्रेशर ड्रॉप होगा, और QCCPT मेल्ट हो जाए तब भी यहीं से प्रेशर ड्रॉप होगा, तो इसका काप हमेशा खुला रहना चाहिए, समझ रहे ना, इसका काप हमेशा खुला रहना चाहिए IP काप। उसके बाद नेक्स्ट काप आता है
आपका LNT ये जो है 7 नंबर हुआ, इसको कहते हैं बीपी चार्जिंग, बीपी LNT का, ठीक, बीपी चार्जिंग या LNT का। इसका काम क्या है, इसके खुले होने पर ही बीपी प्रेशर चार्ज होता है, इसके खुले होने पर ही आपका बीपी प्रेशर चार्ज होगा। तो ये आपका पता हो गया आपको मेन समस्या कहाँ आती थी, ये IP और LNT में। तो जो फेबले में की ट्राई प्लेट है उसमें पहला का IP, दूसरा का LNT, उसके बाद नेक्स्ट का आता है ये है 8 नंबर का, ये है RGEB2 का COC है, RGEB2 का कटआउट कार्ड है। ये कार्ड भी हमेशा खुला होना चाहिए, यदि ये कार्ड बंद हो गया तो क्या होगा, QRS डीनर्जाइज हो जाएगी और आपके लोगों में टोटल लॉस मिलेगा, TLTE मिलेगा। तो क्या मिलेगा, TLTE। ये अगर कभी माल फंक्शनिंग कर जाए, यहाँ से लीकेज हो जाए, तो उस कंडीशन में तब आपको ये कार बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्यों करना, क्या पड़ेगा, इसको बंद करेंगे तो रिले QRS को एनर्जाइज हालत में वेज करना पड़ेगा, रिले QRS को एनर्जाइज हालत में आपको वेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार है 9 नंबर, इसको कहते हैं RGCP का कटआउट का, इसको RGCP COC, ठीक, RGCP COC। ये कटआउट का कब काम आता है, जब कभी भी आपका क्या होने लगे, RGCP माल फंक्शनिंग करने लगे, कोई समस्या पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन में MR प्रेशर मेंटेनमेंट हो रहा है, तो आप RGCP को क्लोज करके कटआउट के द्वारा RGCP को आप काट दें, तो उस कंडीशन में इस कार की पहचान आपको होनी चाहिए। 9 नंबर का RGCP का काम होता है। और नेक्स्ट है 10 नंबर, ये जो 10 नंबर का है, ये वी वाल्व का कटआउट है। आपको बताया कि वी कब इनर्जाइज होती है, जब कंप्रेसर आपके जो वो प्रेशर 8.5 से 10 kg के बीच हो जाता है, तो RGCP कट ऑफ होती है, कंप्रेसर बंद होते हैं, लेकिन वी इनर्जाइज हो जाता है, और MR1 और MR2 की जो नमी है ऑटोडेन वाल्व के द्वारा वो बाहर भेजी जाती है। लेकिन ऑटोडेन वाल्व से लीकेज हो जाए, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसी वी का को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये 10 नंबर आपके आपको मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 11 नंबर है आपका फीड वाल, सबको पता है फीड पाइप 6 kg से चार्ज होता है, तो उसको चार्ज करने के लिए वाल्व लगाया गया, उसको नाम दिया गया फीड वाल्व। इसका काम क्या है, ये जो है MR के प्रेशर को जो है घटा के, यानी कि MR2 के प्रेशर को रिड्यूस करके 6 kg में BP को वो करता है, चार्ज करता है। तो ये आपने देख लिया, ये 11 नंबर कहाँ गया, ये है 11 नंबर, फीड वाल, ठीक। अब नेक्स्ट आता है 12 नंबर, यानी इसका क्या, ये फीड वाल का COC, फीड वाल का कटआउट आता है। डेड लोको ले जा रहे हैं, इसको बंद कर दे, या किसी कारणवश CRO हो जाता है, और FP क्या हुई,
पाइपलाइन में लीकेज हो गई, टूट गया, आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, परमानेंट लीकेज है, उस कंडीशन में आपको फीड वाल के कटआउट का आपको बंद करना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है 12 नंबर में। 12वें नंबर में जो दिखाया गया है ये फीड वाल का कटआउट का है। नेक्स्ट है 13 नंबर, और 13 नंबर जो ये दिया हुआ है, ये 13 आईपी मैग्नेट वाल, ये देखिए लिखा मैंने आईपी मैग्नेट वाल, ये है आपका 13 नंबर आईपी मैग्नेट वाल, जो अभी मैंने आपको बताया था आईपी वाल जो है T3W और आईपी मैग्नेट वाल की मिली जुली असेंबली होती है। तो आईपी मैग्नेट वाल इनर्जाइज होकर आईपी मैकेनिकल वाल को बैलेंस रखता है। जब कभी भी हमने बताए थे रीजन क्या क्या कि आरबी करते समय वो चीज चली जाए, BPEMS दबा दिया जाए, VCD ऑपरेट हो जाए, HBA1 से 0 पे कर दिया जाए, फ्यूज CCPT मेल्ट हो जाए, तो ये आईपी मैग्नेट वाल डी इनर्जाइज हो जाता है, यानी डिसबैलेंस हो जाता है, और आईपी मैकेनिकल वाल को बीपी डिस्ट्रॉय करने का रास्ता दे देता है। क्योंकि आईपी मैग्नेट वाल जब डिसबैलेंस होता है तो आईपी मैकेनिकल वाल, जिसको E3WD बोलते हैं, उसी पर आपका पाक लगा होता है, वो हमेशा खुला रहना चाहिए। इन कंडीशनों में क्या होता है, इसी रास्ते से आपका जो है बीपी ड्रॉप हो जाती है। तो ये आपको, ये आपका हो गया 13 नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट आता है ये 14 नंबर, सभी लोग जाते हैं, ये है आपका पीएनजी हैंडल है। ये आपको पता है गुड्स लोगों में ये पाया जाता है, पीएनजी हैंडल का काम क्या है, जब आप गुड्स का लोगो गुड्स ट्रेन में लगाते हैं तो ये आपका जी की तरफ होना चाहिए, यानी कि CR कंट्रोल रिजर्वायर की तरफ इसका हैंडल होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी इसके इस कंडीशन में लगने होने पर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि जो लोको ब्रेक है ये 20 से 25 सेकेंड बाद या 25 से 30 सेकेंड बाद ही अप्लाई होता है, और जब गुड्स का लोगो पैसेंजर ट्रेन में लगता है तो इस हैंडल की पोजीशन कहां होनी चाहिए, पी की तरफ, यानी वाल्व की तरफ होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लोगो ब्रेक 8 से 12 सेकेंड देर से अप्लाई होता है, लेकिन कहीं भूल वश लोगो पायलट क्या करे, ले तो जा रहा है आपका गुड्स ट्रेन और उसने हैंडल को कर दिया, या हैंडल पहले से पड़ा है पी की तरफ, ऐसी कंडीशन में लोको ब्रेक पहले लग जाएंगे और लोको स्टेबल अवस्था में आने लगेगा और लोड जो है पीछे से ब्रेकिंग हो नहीं पाएगी, तो ब्रेक बाइंडिंग की संभावना हो जाती है। तो पीएनजी हैंडल के लिए आपके लिए इतना ही समझना है, गुड्स में CR की तरफ और मेल में वाल की तरफ। 14-15 नंबर, ये 15 नंबर C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल है, ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल ये सिंक्रोनाइजिंग का वाल है। जब भी आप इसके एक तरफ बीपी का प्रेशर रहता है तो दूसरी तरफ MR4 का प्रेशर रहता है, तो क्या कहता है ये बैलेंस रहता है। जब हम A9 से बीपी ड्रॉप करते हैं तो ये वाल्व डिसबैलेंस होता है और MR4 के प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में भेज देता है, लेकिन जब तक बीपी 5 रहता है और एक तरफ MR का रहता है, बीपी अगर पूरा है तो ये बैलेंस रहता है, यानी कि सिंक्रोनाइजिंग का वाल्व है। और इसी के बगल में लगा हुआ है आपका 16 नंबर का C3W आइसोलेटिंग का। ये जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाए, क्या कि गाड़ी चला रहे हैं आप, PVEF दबा रहे हैं, यानी माल फंक्शनिंग करने लगे आपका, क्या C3W यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व माल फंक्शनिंग करने लगे, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको
कि आप PVEF दबा रहे हो लेकिन उसके बाद भी लोको ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इससे इसको आइसोलेट कर दें, इससे 16 नंबर के इस आइसोलेटिंग काक से इसको आप आइसोलेट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर, ये मैंने बताया ये क्या बताया R6 वाल, ये एयर फ्लो इंडिकेटर का रिले वाल्व है। जब भी एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व के द्वारा जो BP लीकेज की दर नापी जाती है उसको ये एयर फ्लो की नीडी को ऑपरेट करा के आपको बताता है। बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। ये एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व जो BP लीकेज की दर को कैलकुलेट करता है तो उसको आपको कैसे बताए, तो ये एयर फ्लो इंडिकेटर की जो नीडिल होती है उसको ऑपरेट कराकर ये आपको दर्शाता है। तो ये हो गया 18 नंबर। नेक्स्ट आता है 19 नंबर, ये 19 नंबर वाल्व, इसको ऐसे पार करा लें, ये 19 नंबर, ये 19 नंबर वाल्व है RGAF रेगुलेटिंग गवर्निंग फ्रॉम फॉर एयर फ्लो। जब भी BP लीकेज की दर यानी कि क्या कहें BP लीकेज की दर AFI नीडल में 85 अंक से ऊपर हो जाती है तो ये RGAF ऑपरेट हो जाता है और क्या करता है लैंप LSAF को जला देता है, साथ ही साथ वो आपका ऑटो फ्लैशर लाइट भी जला देता है। यानी कि RGAF जो है कब ऑपरेट होता है, जबकि एयर फ्लो इंडिकेटर की सुई 85 अंक से ऊपर हो जाती है तो ये क्या करता है एक लैंप LSAF को जला देता है और ऑटो फ्लैशर लाइट को भी ऑन करा देता है। नेक्स्ट आता है एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व, यानी कि ये है आपका 20 नंबर एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व। ये MR3 और ओरिजिनल C2 रिले के बीच में लगा है और ये BP की लीकेज दर को नापता है, ये 20 नंबर का एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व। उसके बाद आता है 21 नंबर सेंट्रीफ्यूगल ड्रेन का, ये भी कंप्रेसर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह आ जाते हैं उसके लिए ये लगाया गया है 21 नंबर CDC सेंट्रीफ्यूगल ड्रेन वाल्व। जब भी कभी यहाँ से लीकेज हो तो इसके द्वारा इसको आइसोलेट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 22 नंबर MU2B वाल्व, ये आपका हो गया 22B वाल्व, 22 नंबर है आपका MU2B वाल्व। और ये इसमें जो है जो पोर्ट होती हैं 7 पोर्ट होती हैं, 2 SA9 की, 2 A9 की, 2 MR की और एक होती है F1 सिलेक्टर की। तो ये जो MR की जो 2 है ये एक्चुअल में जब वैक्यूम से गाड़ी चलती थी उस समय रिलीज वाल्व को ऑपरेट करने के लिए ये MR की 2 पोर्ट होती थी, वर्तमान में वो कोई है नहीं तो ये पोर्ट जो है आपकी डमी रहती हैं। तो MU2B वाल्व लीड पोजीशन में बता रहा हूँ, जब ये जब लीड पे रहता है तब ये 7 पोर्ट इसकी एक्टिव होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 23 नंबर ये VEF वाल्व, आपको पता ही है VEF वाल्व के विषय में। ये VEF वाल्व का मेन काम क्या है, ये जब भी ट्रेन में ब्रेक लगाते हैं तो VEF वाल्व एनर्जाइज होकर सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग को रोकता है। सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग को रोकने के लिए VEF वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, PVEF दबाकर, नंबर एक तो VEF एनर्जाइज होकर क्या करता है सिंक्रोनाइजिंग रोकता है ना, तो ये कैसे रोकता है, ये दो तरीके से रोकता है। नंबर एक, जब आप PVEF दबाते हैं तो ये सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग रोकता है। दूसरा कब रोकता है, जब आप RB करने के लिए MP को
कहां करते हैं, टैक्सन से ब्रेकिंग की तरफ, यानी आप कहां ले जाते हैं, पी पर, एमपी को जीरो से पी पर ले जाते हैं, तब ये एनर्जाइज हो जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि आदमी ब्रेकिंग करते समय पीवीएफ दबाने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि वीईएफ एनर्जाइज हो गया। अब आपको एक चीज और बता दें कि जब एमपी को टैक्सन में होता है और आप पीवीईएफ दबाते हैं तो वीईएफ वाल्व को एनर्जाइज करते हैं, तो वीईएफ वाल्व एनर्जाइज होता है, इसको सप्लाई मिलती है फ्यू सीसीपीटी से। और जब आप एमपी को पी पर रखते हैं तभी तब वीईएफ वाल्व एनर्जाइज होता है सीसीए से, यानी कि एमपी को पीवीईएफ दबाने पर अगर फ्यू सीसीपीटी मेट होता है तो क्या हुआ, वीईएफ वाल्व में खराबी है, और अगर पी पर रखने पर सीसीए मेट होता है तो क्या है, डायनेमिक ब्रेकिंग करना मना, डायनेमिक ब्रेकिंग मत करिए। तो ये आपका हो गया आपका पीवीईएफ का वी एफ बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका एमबी फोर बार, सब जानते हैं भाई, जब आप गाड़ी में ब्रेकिंग करते हो तो कई बार होता है कि आपको स्पीडली वो क्या करना है, बीपी मेंटेन करना है, यानी बीपी जल्दी पूरा करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बीपीएसडब्ल्यू दबाते हो, तो बीपीएसडब्ल्यू दबाने से एमबी फोर बार एनर्जाइज होता है और दो पोर्ट होती है बीपी को चार्ज करने के लिए, 5 mm की, 5.6 mm की, और एक होती है 19.5 से 20 के 20 mm की, तो वो पोर्ट खुल जाती है जिससे आपका बीपी जल्दी चार्ज हो जाता है। तो ये आपका हो गया 24 नंबर, ये 24 नंबर ये हो गया। नेक्स्ट आया ये 25 नंबर, ये है आपका F1 सिलेक्टर वाल्व, बताइए आपको सिंक्रोनाइजिंग के समय इसके द्वारा सप्लाई जाती है, उसके द्वारा लिमिटिंग वाल्व से होके, और दूसरा जब दो लोगों आपस में जुड़े होते हैं और उनकी इक्वलाइजिंग पाइप पीसी इक्वलाइजिंग पाइप जुड़ी होती है, तो जब हम A9 आगे वाले लोगों में SA9 से क्या करते हैं SA9 अप्लाई करते हैं तो उतनी मात्रा में पीछे वाले लोगों में भी प्रेशर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया C2 रिले वाल्व, या इसको आप इस ये कहते हैं एडिशनल C2 रिले वाल्व, कहीं पे C2 रिले वाल्व BP और उसके लिए लिख देते हैं BC, तो ये C2 रिले वाल्व आपका जो है आप क्या कहना चाहिए BP के लिए, C2 रिले वाल्व BP के लिए है, तो इसका भी आपको पता है। तो ये बीपी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मुख्य वाल्व है, इसके एक पोर्ट पर MRC की हवा रहती है, इसको A29 भी बोलते हैं, और दूसरी पोर्ट पर A9 से आने वाला प्रेशर रहता है, और ये जो है तीसरी पोर्ट पर बीपी जो है क्या कहना चाहिए पाइपलाइन को चार्ज करने वाला प्रेशर रहता है। तो ये कुल मिला के बीपी प्रेशर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मुख्य कारक है, और ये 27 नंबर है C2 रिले वाल्व, रिले वाल्व ये लोको ब्रेक का इम्पोर्टेंट वाल्व है, लोको ब्रेक का सबसे इम्पोर्टेंट वाल्व है, लोको ब्रेक लगाने और रिलीज करने के लिए ये लगा हुआ है, ये है 26 नंबर और ये 27 नंबर। इसके बाद आता है 28 नंबर, ये 28 नंबर लाइन ऊपर आ गई थी, ये 28 नंबर वाल्व है, इसको कहते हैं E3W वाल्व, ठीक भाई, इसको कहते हैं E3W वाल्व, यानी कि EIP का मैकेनिकल वाल्व है, और इसी का काम ये लगा था आपका, ये 6 नंबर जो लगा था E3W का ही ये काम है, और ये E3W वाल्व है, तो आपको ये पता हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 29 नंबर, ये है वीड वाल्व का कटआउट का, वीड वाल्व COC, इसका क्या काम है भाई, भाई ये ऑटो डेल वाल्व से परमानेंट लीकेज होने लगे तो क्या करेंगे भाई, एक ही चारा है, इस 29 नंबर वीड वाल्व COC को आप काट दें। तो ये मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया, ये
इसके जो जितने भी पार्ट थे उनके विषय में हमने संक्षिप्त कोशिश की आपको बताने की। अब इसके बाद मैं जब दूसरे ब्रेक पैनल को समझाऊंगा तो मुझे इस तरीके से बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सिर्फ नाम से ही आपका काम चल जाएगा। आपको वर्किंग मैंने बताने का पूरा प्रयास किया कि आपको इसकी वर्किंग के भी संदर्भ में भी जानकारी हो जाए, इसकी इन जो नाम है तो इनकी वर्किंग भी क्या है, इनकी संक्षिप्त परिचय आपको ज्ञात होना चाहिए। और आर के ब्रेक पैनल है, सबको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इसी प्रकार के चित्रों के माध्यम से उनकी लोकेशन से आपको अवगत कराऊंगा, जो आपको गाड़ी संचालन के दौरान आने वाली समस्याओं को मैं ब्रेक पैनल में लगे उपकरणों को ढूंढने में आपकी मदद करेगी। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो साथियों, मैं इसी तरीके से आपके बीच में रहूंगा और समय मिलने पर नित्य प्रतिदिन नए नए आपको वीडियो देता रहूंगा। आपकी भी अपनी जो क्वेरीज हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, पुनः मिलेंगे आपका विवेक सचान नए वीडियो के।